कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स दैट आर इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा. ब्राइट येलो रेड एंड ग्रीन कलर कॉकरोच हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन. चलो कॉकरोच 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 के नोट्स सबके पास हैं, ठीक है. देखो इसमें एक चीज़ तो याद कर लो आप कि आर्थोपोडा होता है ये, ठीक है. आर्थोपोडा मतलब एक ऐसा फाइलम जिसके अंदर आप इंसेक्ट्स की बातें करते हो, ठीक है. पीले रंग के कॉकरोच हो सकते हैं, हो सकते हैं, एनसीईआरटी बोलती है. पीले लाल हरे मतलब ट्रैफिक सिग्नल, तो ट्रैफिक सिग्नल को अगली बार देखोगे तो कॉकरोच की इमेज बनना चाहिए दिमाग में, ठीक है. साइज क्या रहता है इनका? 1/4 inch मतलब 1 inch का 1/4 भाग, मतलब बहुत छोटे. 3 inch तक हो सकते हैं, ठीक. 3 inch जितना किताब में बना उतना 3 inch है, ठीक है. इनके पास एंटीने होते हैं, टांगे होती हैं और फ्लैट एक्सटेंशन होते हैं अपर बॉडी के, ठीक है. और ये ओमनीवोर होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं. नॉक्टर्नल मतलब रात में निकलने वाले, रात में विचरण करने वाले प्राणी नॉक्टर्नल कहलाते हैं. एक होते हैं डायर्नल, एक होते हैं नॉक्टर्नल. एक होते हैं डायर्नल, एक होते हैं नॉक्टर्नल. डायर्नल मतलब डे टाइम, नॉक्टर्नल मतलब नाइट टाइम. रात के समय जो विचरण करे वो नॉक्टर्नल, दिन के समय जो विचरण करे वो डायर्नल. समझते हैं? किस जगह रहते हैं? डैम प्लेसेस पर रहते हैं. डैम मतलब छायादार जगह, अंधेरे वाली जगह पर, है ना. ऐसा तो कॉकरोच मेनली आपको रात में, जब आप रात को पानी पीने जाते हो किचन में, तो एक आध दिख जाता है ना, मन करता है मार लें, लेकिन उस टाइम पता चलता है कि मारने वाला स्प्रे तो पता नहीं कहाँ रखा है. जब तक तुम वापस लेके स्प्रे आते हो तब तक वो जा चुका होता है, ठीक है. ऐसा तो ये है. फिर आता है मॉर्फोलॉजी. एडल्ट ऑफ कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना आर अबाउट 34 to 53 mm लॉन्ग. 1 centimeter में 10 mm होते हैं. उस हिसाब से कितने mm, कितने सेंटीमीटर का कॉकरोच बता रहा है वो? 3.4 to 5.3 centimeter. अच्छा. द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड. सेगमेंटेड तो अर्थवॉर्म की बॉडी भी थी, है ना, मेटामेरिज्म. हेड, थोरेक्स, एब्डोमन तीन हिस्से हैं शरीर के. एंटायर बॉडी को हार्ट, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से कवर किया गया, ठीक है. हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उनके पास एक्सोस्केलेटन के रूप में, एक्सोस्केलेटन के रूप में क्या होता है? काइटिन होता है. व्हाट इज काइटिन? काइटिन इज ए पॉलीमर ऑफ नाग, एनएजी. एनएजी मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन को पॉलीमराइज करोगे तो काइटिन बनेगा. काइटिन आपको कहाँ कहाँ मिलता है? एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, कीड़े मकोड़ों के एक्सोस्केलेटन के रूप में मिलता है काइटिन. इसके अलावा आपको काइटिन देखने को मिलता है फंजाई की सेल वॉल में. फंजाई फफूंद के कोशिका भित्ति में, सेल वॉल में आपको क्या मिलेगा? काइटिन मिलेगा. ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है. इसके अलावा कॉकरोच के पास हर सेगमेंट में कुछ हार्ड प्लेट्स होती हैं जिनको स्क्लेराइट्स बोलते हैं. स्क्लेराइट्स टर्गाइट डॉर्सली एंड स्टर्नाइट वेंट्रली दैट आर जॉइंट टू ईच अदर बाय थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन, ठीक है. इसको आप याद करो ऐसे, हर सेगमेंट में आपको इस तरीके से अरेंजमेंट मिलेगा. ऊपर की ओर
टर्जाइट या टर्जिट, बीच में आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन और नीचे स्टरनाइट। समझ गए? तास, तास खेल लो ऐसे आते हैं, ताश के पत्ते आते हैं, ताश है ना। खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना इक्का तभी निकालो जब सामने वाला बादशाह हो, ऐसा सुना था कहीं। मेरा अपना खुद का कुछ नहीं, रोज कट कॉपी पेस्ट करके बोल देता हूँ बस, यही कला है। ठीक है, मेरी अपनी खुद की कोई लाइंस नहीं है, मतलब मैंने खुद लाइन नहीं बनाई, जो मिल गई जहाँ से वो बोल ली। लेकिन बनाऊंगा मैं भी अपनी एक लाइन जो फेमस हो जाएगी। तो ताश से याद हो जाएगा, ताश, TAS, T फॉर टर्जाइट, A फॉर आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन, S फॉर स्टरनाइट। आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन पर के ऊपर टर्जाइट है, नीचे स्टरनाइट है, दोनों इस तरीके से मूव करते हैं और कॉकरोच को फॉरवर्ड मूव कराने में हेल्प करते हैं, मतलब कॉकरोच की हेल्प करते हैं। कॉकरोच के सेगमेंटेशन में, कॉकरोच के सेगमेंटेशन में कौन हेल्प करेगा? ऊपर की ओर टर्गाइट, नीचे की ओर स्टरनाइट। तो ये समझ में आ गया, टर्गाइट, आर्थ्रोइडल मेंबर, स्टरनाइट। ठीक, डोर्सली कौन होता है, वेंट्रली कौन होता है, याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। ठीक है, TAS याद करना है आपको, टर्काइट, स्टरनाइट, आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। ठीक है, TAS, डी डॉर्सल वेंट्रल, याद रहेगा, डॉर्सल वेंट्रल, याद हो गया? कोई डाउट है? ये डॉर्सल वेंट्रल कहानी याद हो गई? इसके बाद एनाटॉमी पे आओ फटाक से। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन बॉडी कैविटी इज डिवाइड टू थ्री रीजन्स, फोरगट, मिडगट, हिंडगट। ठीक है, फोरगट, मिडगट, हिंडगट। गट वर्ड किसके लिए आता है? गट वर्ड का प्रयोग हम एलिमेंट्री कैनाल के लिए करते हैं, पता है ना? गट वर्ड एलिमेंट्री कैनाल के लिए आता है। तो फोरगट, मिडगट, हिंडगट में आप कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल को बांट सकते हो। ठीक है, माउथ जो है वो फेरिंग्स में ओपन होता है, लीडिंग टू ए नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड ईसोफेगस। दिस इन टर्न ओपन इन टू ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप, यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक ये कि जो कॉकरोच है, कॉकरोच का जो फुट पाइप वो मॉडिफाई होकर क्रॉप बन जाएगा, और जो उसका स्टोमक है वो मॉडिफाई होकर गिजार्ड बन जाएगा। कॉकरोच का फूड पाइप मॉडिफाई होकर क्रॉप नाम का एक पार्ट बन जाएगा, क्रॉप, और जो उसका स्टोमक है वो मॉडिफाई होकर गिजार्ड बन जाएगा। क्रॉप एक ऐसी जगह है जहाँ पर उसके द्वारा खाया गया फूड कुछ देर स्टोर होगा। ठीक है, और गिजार्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर उसके द्वारा रखा गया फूड क्रश होगा, पिसेगा। यही सेम कॉन्सेप्ट बर्ड्स में भी होता है, बर्ड्स का भी फूड पाइप मॉडिफाई होकर क्रॉप बन जाता है और स्टमक मॉडिफाई होकर गिजार्ड बन जाता है, मॉडिफाई होकर गिजार्ड बन जाता है। बात समझ गए? मॉडिफाई होकर गिजार्ड बन जाता है, मॉडिफिकेशन समझते हो? ठीक है, मॉडिफिकेशन। कई लोग घर में ही दुकान बना देते हैं, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज मॉडिफिकेशन। ठीक है, बात समझ गए? ये कई जगह पर, जैसे आपका घर किसी ऐसी जगह है जहाँ पर धीरे धीरे बाजार जैसा माहौल बनने लगा, तो आपने नीचे ही तोड़ फोड़ करके दुकान बना ली आपने भी, फिर उनको किराए से दिया, हर महीने पैसे आ रहे हैं।
भाई जहाँ जब एमपी नगर में ये पूरा जंगल रहा करता होगा तब इस बिल्डिंग वाले ने सोचा थोड़ी ना होगा कि मैं कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, किराए से चलाऊंगा, जमीन खरीद ली होगी है ना, फिर उसने जो है यहाँ पे कमरे जैसे बना लिए होंगे, क्या पता ये पहले किसी का घर रहता हो 90s में है ना, यहाँ से लोग कचरा फेंकते हो नीचे, पीछे घना जंगल हो, जैसे अपन जंगल दिखता है अपन कचरा वहीं फेंकते हैं, हो सकता है कचरा फेंकती हो आंटी यहाँ से खिड़की खोल के है ना। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि बर्ड्स में और कॉकरोच में क्या सिमिलैरिटी है, बर्ड्स के पास भी जो फुट पाइप है वो मॉडिफाई होकर क्रॉप बन गया, और फ्रॉग में भी सॉरी कॉकरोच में भी क्रॉप किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, फुट पाइप का, और गिजार्ड स्टोमक का। शाबाश, चलिए आगे देखते हैं। आगे वो बोलता है क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड बाय और प्रो वेंट्रिकुलस, क्रॉप के नीचे गिजार्ड है, इतनी सी बात है जो आपको याद रखना है। इट हैज़ एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्क्यूलर मसल्स एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग सिक्स हाईली काइटिनियस प्लेट कॉल्ड टीथ, गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फुट पार्टिकल, गिजार्ड मदद करता है फुट पार्टिकल को ग्राइंड करने में, गिजार्ड ग्राइंड करने में हेल्प करता है, याद हो गया जी से, तो जी से क्या आ जाएगा आपको, जी से क्या आ जाएगा, जीजू, जी जीजू या गिजार्ड। तो गिजार्ड ग्राइंड करने का काम आता है, ठीक है, गिजार्ड ग्राइंड करने के काम आता है। एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, ए रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल कॉल्ड हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीके प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर 6 से 8 ब्लाइंड टिब्यूल, ब्लाइंड टिब्यूल मतलब अंधे टिब्यूल, ब्लाइंड टिब्यूल मतलब ब्लाइंड मतलब ब्लाइंड टिब्यूल का मतलब होता है जिस टिब्यूल में केवल एक ही ओपनिंग हो, दो ओपनिंग नहीं हो, एक टिब्यूल ऐसा होता है जिसमें यहाँ से भी ओपनिंग है यहाँ से भी ओपनिंग है, एक टिब्यूल ऐसा होता है जिसमें एक ही साइड से सिंगल ओपनिंग है, इसको बोलते हैं ब्लाइंड ट्यूब, समझ गए, तो जो लगभग दोनों तरफ से बंद दिखे वो ब्लाइंड ट्यूब है, ठीक, और जिसमें दोनों तरफ से ओपनिंग खुली मिले वो क्या है, क्या है वो, ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट इज प्रेजेंट अनदर रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मालपिजियन टिब्यूल, ये मालपिजियन टिब्यूल आपने किस रूप में पढ़ा था, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन नाम के चैप्टर में, आपने एक चैप्टर पढ़ा था ना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, उसमें आपने मालपिजियन टिब्यूल को किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ा था, आर्थ्रोपोड्स का, ओके ठीक, इसके अलावा अगले जो पैराग्राफ की हम बात करेंगे तो वहाँ मिलेगा बॉडी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप, ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेस कॉल्ड हीमोसील, ये लाइन काम की है, ठीक है, कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसका, ओपन टाइप होता है, ओपन टाइप, ठीक है, ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेस कॉल्ड हीमोसील, विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन हीमोसील्स आर बाथ इन ब्लड, ठीक है, इसके जो अंदरूनी अंग हैं वो ब्लड में डूबे हुए रहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की पहचान ही है भाई, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्टरी से ब्लड गया आर्टेरियोल में, आर्टेरियोल से गया ब्लड कैपिलरीज में, कैपिलरी से गया वेन्यूल में, वेन्यूल से गया वेन में, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, आर्टरी से जाएगा
आर्टेरियोल में, और आर्टेरियोल के बाद ओपन स्पेस में चला जाएगा जिसको साइनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइनस। और साइनस से हो जाएगा वेन्यूल में, वेन्यूल से जाएगा वेन में, साइनस। समझ में आए? साइनस ओपन स्पेस, क्लियर हो गई बात। तो आपसे किसी ने पूछा कि ऑर्गन्स आर डायरेक्टली बाथ्ड इन ब्लड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन? ओपन टाइप, ओपन, ओपन बाथ। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या रहेंगे? ऑर्गन्स आर डायरेक्टली बाथ, क्योंकि साइनस के लेवल पर जाकर वो ब्लड से सीधे कांटेक्ट में आ गए, ब्लड में डूब गए। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए, याद रहेगा? हीमोलिम्फ क्या होता है? हीमोलिम्फ एक ऐसा ब्लड है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोलिम्फ एक ऐसा ब्लड है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। ब्लड फ्रॉम साइनस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू द साइनस अगेन। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पायरिकल्स। ठीक है, साइनस स्पायरिकल्स वर्ड आपको याद रखना है। इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको स्पायरिकल करके कुछ याद करना है। छोटे छोटे छेद हैं 10 जोड़ों में जिनको आपको स्पायरिकल बोलना है। इसके बाद अगला पैराग्राफ देखोगे, मैं भी बता दूंगा कहाँ से सवाल आएगा। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय मालपिटेंट्यूब, सबको पता है। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में क्या निकालता है? पानी का कंजप्शन ये कम से कम करता है, तो क्या निकालेगा बताओ? यूरिक एसिड निकालेगा। उस हिसाब से ये क्या बनेगा, यूरिकोटैलिक या यूरियोटैलिक? यूरिकोटैलिक बनेगा। ठीक है, यूरिकोटैलिक बनेगा। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, ये यहाँ से एक सवाल बन सकता है। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्यू सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया जॉइंट बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन वेंट्रल साइड। 3 गैंग्लिया लाई इन थॉरेक्स एंड 6 इन एब्डोमन। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। दी हेड होल्ड ए बिट ऑफ नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ, यहाँ से सवाल है, हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल लाइव फॉर ए लॉन्ग एज 1 वीक। अगर आप किसी कॉकरोच का सिर काट दो, उसका सिर कलम कर दो, तो क्या होगा? वो 1 हफ्ते तक जिंदा रह लेगा। आपका सिर काट दे तो आप जिंदा रह लोगे? बिना सर के घूमोगे कहाँ? टोपा कहाँ लगाओगे? सबसे बड़ा हेडेक, सर देकर टोपा कहाँ लगाएंगे, है ना? चश्मा कहाँ लगाएंगे? देखेंगे कैसे? कहीं भी जाएगा अपना सर, हर कहीं जा रहा है सर, हर कहीं। सोचो, इमेजिन करो, बिना सर के सब घूम रहे हैं, कोई किसी को टकरा रहा है कहीं भी। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो कहने का जो मतलब है वो ये है, इसका नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में फैला हुआ है। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। दी हेड होल्ड्स ए बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, हेड में बहुत ही कम पार्ट है उसके नर्वस सिस्टम का। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द पार्ट उसके नर्वस सिस्टम का कहाँ है? उसकी बॉडी में। इसलिए आप उसके सर को काट भी दोगे तो जिंदा रह लेगा, यही बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये एसर्शन रीजन बन सकता है, हेड 1 हफ्ते से भी ज़्यादा जिंदा रह सकता है अपना सर कटवा कर। बिकॉज क्यों? रीज़न दे देगा फिर, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम का मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ है? बॉडी में है, उसके हेड में बहुत ही कम पार्ट है नर्वस सिस्टम का। इसके बाद इसकी आंखें कैसी हैं? हिरनी जैसी हैं या कंपाउंड आई? कंपाउंड आई।
कंपाउंड आई मतलब मोजेक विजन है ना, टुकड़ों में इमेज दिखाता है ये, ठीक है। आपका फोटो उसको ऐसे टुकड़ों में दिखाई देगा, ऐसे टुकड़ों में दिखाई देता है, इस तरह के विजन को बोलते हैं मोजेक विजन। कॉकरोचेस आर डायोशियस, डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस, वन लाइंग ऑन ईच लेटरल साइड ऑफ 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेस थिन वासा डिफरेंस विच ओपन इन टू एजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल। एजैकुलेटरी डक्ट ओपन इन टू द मेल गोनोपोर वेंट्रल टू द एनस। ए कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द 6 to 7 एब्डोमेन सेगमेंट विच फंक्शन एज एन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। द एक्सटर्नल जेनिटेलिया रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनापोफाइसिस और फैलोमेयर। ये लाइन काम की है, मेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया को आप मेल गोनापोफाइसिस बोलोगे और या फैलोमेयर बोलोगे। मेल गोनापोफाइसिस और फैलोमेयर, द स्पर्म आर सराउंडेड, द स्पर्म आर स्टोर्ड इन सेमिनल वेसिकल एंड आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल कॉल्ड स्पर्मेटोफोर। ये स्पर्मेटोफोर पर सवाल आ सकता है, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होंगे स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोफोर में, स्पर्म में। तो स्पर्मेटोफोर क्या है, स्पर्मेटोफोर क्या होता है, स्पर्मेटोफोर स्पर्मेटोफोर वो बंडल्स हैं जिसके अंदर स्पर्म मौजूद रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, स्पर्मेटोफोर इज द कलेक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोफोर इज द कलेक्शन ऑफ स्पर्म। इसके बाद ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल और ओवेरियोल्स कंटेनिंग ए चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू ए सिंगल मीडियन ओविडक्ट आल्सो कॉल्ड वेजाइना व्हिच ओपन इनटू द जेनिटल चैम्बर। ए पेयर ऑफ स्पर्मथीका इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट व्हिच ओपन इनटू द जेनिटल चैम्बर। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, स्पर्मेटोफोर याद रखना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है वो याद रखना है। ए पेयर ऑफ स्पर्मथीका, ये लाइन मार्क कर लेना, पेयर ऑफ स्पर्मथीका इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट विच ओपन इन टू ए जेनिटल चैम्बर। ये पूछेगा तुमसे स्पर्मथीका या स्पर्मिथिकल फोर किसके पास होता है, मेल के पास या फीमेल के पास, तो जवाब है फीमेल के पास। नाम सुनते ही ऐसा लगता है स्पर्मा स्पर्म, ये तो मेल के पास होता है, लेकिन जवाब क्या रहेगा, फीमेल के पास। ये स्पर्मथीकल पोर किसके पास है, फीमेल के पास है। स्पर्म आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर, क्या मतलब हुआ इस लाइन का, स्पर्मेटोफोर एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा नाम है जो कई सारे स्पर्म को मिलाकर दिया गया, ठीक है। कई सारे स्पर्म को मिलाकर एक नाम दे दिया हमने, क्या दे दिया, स्पर्मेटोफोर। ओके,
फर्टिलाइज्ड एग आर एनकेज्ड इन कैप्सूल कॉल्ड ऊथीके। ऊथीका इज अ डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल। ठीक, ऊथीका क्या होता है? ऊथीका तो देखो, तीन चीजें समझ लो अच्छे से, एक स्पर्म, दूसरा स्पर्मेटोफोर और तीसरा स्पर्मा थीकल फोर। इन तीनों को घुमा फिराकर सवाल के रूप में वो दे सकता है बनाकर। ठीक, स्पर्मा थीकल फोर समझ में आ गया? उथीका के बारे में देख लो, उथीका क्या होता है? डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल। दे आर ड्रॉप टू और ग्लू टू द सूटेबल सरफेस, यूजुअली इन ए क्रैक और सर्वाइस। सर्वाइस मतलब कोई भी खाली जगह, कोई भी खाली दरार, जैसे ये दिख रही है दीवारों में पतली पतली, वो यहाँ पे उथीका दे दिए जाते हैं फीमेल कॉकरोच के द्वारा। और एक ऊथीका से लगभग 14 से 16 अंडे निकलते हैं, और एक बार में 9 से 10 ऊथीका वो प्रोड्यूस करती है। तो बताओ एक बार में कितने अंडे निकालेगी फीमेल कॉकरोच? समझ गए? 160 अंडे। ठीक है, मतलब एक कॉकरोच घर में आ जाए तो अनेक होने में टाइम नहीं लगेगा, मतलब दो कॉकरोच आना चाहिए। ठीक है, एक अकेला क्या करेगा? पार्थेनोजेनेसिस जुड़ना हो रही है आपको। डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लैंटा अमेरिकाना इज पैरा मेटाबोलस, मीनिंग देयर इज अ डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज। द निम्फ लुक वेरी मच लाइक एडल्ट। यहाँ पे एक चीज तुमसे पूछेगा, यहाँ डायरेक्ट डेवलपमेंट है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, बताओ? यहाँ डेवलपमेंट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? यहाँ पे डेवलपमेंट डायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई लार्वल स्टेज नहीं आई। इनडायरेक्ट तब होता है जब लार्वल स्टेज आती है, डेफिनेशन ही कहती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेज का आना, और यहाँ पे कोई लार्वा नहीं बना, निम्फ बना है ना? आप कॉकरोच के संतान को निम्फ कहोगे, निम्फ, NYMPH, निम्फ, निम्फ। मैनी स्पीशीज ऑफ कॉकरोचेस आर वाइल्ड, ठीक है, एंड आर नो। इसके बाद एक और चीज़ पढ़ लेना अच्छे से, निम्फ में विंग पैड होते हैं और एडल्ट कॉकरोच में विंग्स होते हैं। विंग पैड और विंग्स में अंतर है ना? पंख जैसा और पंख होने में अंतर है ना? तो निम्फ के पास विंग पैड हैं और एडल्ट कॉकरोच के पास विंग्स हैं उड़ने के लिए। ठीक है, इसमें ज़रा एक बार डायग्राम देखना, जो फोर विंग होता है ना, फोर विंग वो हिंड विंग को कवर करके रखता है। फोर विंग हिंड विंग को 17.14 पे देखो, फोर विंग हिंड विंग को कवर करके रखता है। फोर विंग हिंड विंग को कवर करके रखता है। ठीक, फोर विंग हिंड विंग को कवर करके रखता है। ठीक है, फोर विंग हिंड विंग को कवर करके रखता है, ये वाली बात याद रहेगी। फोर विंग हिंड विंग, आगे के पंख पीछे के पंख, जो हिंड विंग होते हैं ना, हिंड विंग, ये उड़ने में हेल्प करते हैं। हिंड विंग हेल्प्स इन उड़ने में, हिंड विंग हेल्प्स टू फ्लाई। ठीक है, कॉकरोच उड़ता भी है ना, ये तो पता है ना, कॉकरोच उड़ता है, देखा है उड़ने वाला कॉकरोच? उड़ते हैं कॉकरोच, ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं भरते कि पक्षियों के साथ ऐसे लाइन बना के जा रहे हैं, वैसे नहीं उड़ते हैं फ्लाइट। वो सिर्फ जब उनको डर लगता है तब उड़ता है, ऐसे नहीं उड़ते। तो हिंड विंग हेल्प्स इन
फ्लाइंग कैसे याद करोगे? हैंड विंड, विंड मतलब हवा, हवा से बातें करने में कौन हेल्प करेगा? हैंड विंग, हवा से बातें करने में कौन हेल्प करेगा? हैंड विंग, फोर विंग, हैंड विंग, हैंड विंग किस में हेल्प करेगा? हवा से बातें करने में हेल्प करेगा, हैंड विंड, विंड हैंड, याद हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ देख लो, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स दिखाई दे रहा है। इसमें तुमसे पूछा जाएगा फोर विंग कौन से चैम्बर में है, कौन से पार्ट में है, और हैंड विंग कौन से पार्ट में है। तो मीजोथोरेक्स में क्या है? फोर विंग है, और मेटाथोरेक्स में क्या है? हैंड विंग है। ये बात तुम याद रखोगे। फर्स्ट पेयर ऑफ लेग किस में है? फर्स्ट पेयर ऑफ लेग मीजोथोरेक्स में, ऐसा लिखा भी है एक जगह पर, उसको पढ़ लेना कहाँ लिखा है। फर्स्ट पेयर ऑफ लेग, इसमें हमने शायद एक पेज पढ़ा ही नहीं पूरा, 112 वाला, ठीक है ना, वो पढ़ा ही नहीं अपन ने। चलो पढ़ लो। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं, उसके बाद भी क्रशिंग कहाँ पे होती है? गिजार्ड में, ठीक है। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइजेस फ्रॉम मीजोथोरिक्स, सेकंड पेयर ऑफ विंग अराइज फ्रॉम मेटाथोरिक्स, याद हो गया। फोर विंग को टैगमिना बोलते हैं, हिंड विंग को कुछ नहीं बोलते। हिंड विंग ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, फ्लाइट में हेल्प करते हैं। एब्डोमन मेल में और फीमेल में दोनों में 10 सेगमेंट्स वाले होते हैं। फीमेल्स में सेवन्थ स्टर्नम जो होता है वो बोट शेप होता है, बोट शेप नाव के जैसा दिखता है, और 8, 9 और 10 के साथ मिलकर ये जेनिटल पाउच बनाता है, ठीक है, जिसके एंटीरियर पार्ट में फीमेल गोनोपोर होता है, स्पर्मेटिकल पोर होता है, कोलेटरल ग्लैंड होते हैं। ये तीन चीज़ें याद कर लो आप, गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर, कोलेटरल ग्लैंड, ठीक है। पहले तो ये बताओ कोलेटरल ग्लैंड किसके पास होते हैं? फीमेल के पास। स्पर्मेटिकल पोर किसके पास होते हैं? फीमेल के पास। गोनोपोर किसके पास होता है? फीमेल के पास। देखो सेवंथ स्टर्नम इज बोट शेप, फीमेल का जो सेवंथ स्टर्नम है 10 सेगमेंट है, उसमें सातवां कैसा है? बोट शेप का है, बोट। बोटिंग वोटिंग का ज्यादा शौक किसको होता है? फीमेल को। बोटिंग करती है फीमेल, जैसे पैडल बोट होता है, ऐसे पैडल मारते रहो धीरे धीरे, देखा होगा आपने भी मूवीज वगैरह में, या आपने बोट क्लब पे आप गए हो तफरी करने, तो आपने देखा होगा लोग पैडल बोट, शायद है नहीं यहाँ पे, बोट क्लब में नहीं, डैम के पास है, कैरवाड़ी केडी में, ठीक है, तो आप गए बढ़िया वहाँ पे, है ना, तो आप ऐसे पैडल मार रहे हो धीरे धीरे, ठीक है, और 7 बज गए 7 बजे शुरू होता है खेल, ठीक है, गर्मी के मौसम में, क्योंकि 6 बजे तो धूप रहती है, 7 बजे थोड़ी छाएँ होती है, ठीक है। तो बोट वोट का शौक किसको है? फीमेल को है, पानी ऐसे ऐसे उछालना, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक, फिर वो भी यहाँ से, ठीक, समझ रहे बात को आप, है ना। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि बोटिंग का शौक कैसे? फीमेल को है। तो फीमेल कॉकरोच का सेवंथ स्टर्नम किस शेप का है? बोट शेप का है। ये याद कराने के लिए मैंने तुम्हें बोटिंग बताया, समझ में आ गई बात, ठीक है। बोटिंग करते करते 7 बज गए और बोट कहाँ चली गई? सीहोर साइड चली गई, क्योंकि बड़ा तालाब जो है, आप बड़े तालाब से सीहोर भी जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि सीहोर 45 किलोमीटर ही है और बड़े तालाब तो बहुत फैला हुआ है, खैर ऐसा। तो सेवंथ स्टर्नम इज बोट शेप, याद हो गया। इसके अलावा फीमेल के पास तीन चीज़ें याद रखना है, क्या क्या है? फीमेल गोनोपोर है, गोनोपोर, और क्या है? स्पर्मेटिकल पोर है, और कोलेटरल ग्लैंड,
कोलैटरल ग्लैंड, स्पर्मेटिकल फोर कोलैटरल ग्लैंड। देखो लेट होने की जो कला है वो किसके पास ज्यादा है, फीमेल के पास है। लेट होने की वो हर जगह लेट हो जाती है फीमेल। मतलब कहने का ये है कि शादी वादी में जाना है आपको तो लेट होने की जो कंप्लेन होती है वो फीमेल की ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका मेकअप ही ख़त्म नहीं होता है, बस 5 मिनट 5 मिनट करके उनका घंटा बीत जाता है। ठीक है, ऐसा क्योंकि फीमेल्स को हर चीज़ मैचिंग का है ना। अब आदमी लड़कों का क्या है, शर्ट कोई सी पैंट कोई सा, कोई मैचिंग नहीं, मोटा है आ गए। ठीक है ऐसा, ठीक है कई बार तो मुंह पोछा भी नहीं तब वो आ गए। ठीक है मेल का ऐसा है, और आपने भी घर में देखा होगा अपने, है ना। तो फीमेल की एज कोई भी हो, शादी वादी में जाने से पहले सस्ती संवरती है। ठीक है फीमेल के पास, लड़कों का क्या है, लड़कों को शाम को शादी में जाना है वो जिस शैम्पू से सर धोते हैं उससे तो मुंह भी धो लेंगे फेस वॉश समझ के। ठीक है समझ रहे हो, तो उनको ज़्यादा नहीं है, बाल बाल गीले कर लेंगे, कंघा करना है कर लेंगे, वैसे ऐसे करके कपड़े वपड़े पहन के चले गए, समझ गए। इतना ज़्यादा नहीं है, लड़कियों का बहुत सारे हेडेक रहते हैं उनको। उनको जो है 6 बजे से भी तैयार होने बैठेंगे तो उनका 8 बजे तक मेकअप ख़त्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। जैसे काजल लगा दिया तो यहाँ से ऐसे करने की रह जाएगी, है ना। फिर 4 सहेली पूछा तू कैसे आ रही, तू कैसे आ रही, तू कैसे आ रही है, ऐसा होता है। फेयरवेल में भी होता है ये चीज़। ठीक है ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा। मेकअप जल्दी भी नहीं करना है, नहीं तो फिर वो उतना इफेक्टिव नहीं दिखेगा। अगर आप 6 बजे से मेकअप करके बैठ गए और लाइट चली गई और आपका मेकअप वाटरप्रूफ नहीं था, क्योंकि सस्ती दुकान का था, बंटी बबली ब्यूटी पार्लर से आपने मेकअप कराया, तो आप 6 बजे करा के आओगे 7 बजे तक तो पसीना आएगा, गर्मी का मौसम सब बह जाएगा। वाटरप्रूफ कराने के लिए आपको थोड़े अच्छे पार्लर जाना पड़ेगा, समझ रहे। ठीक है तो ऐसे में कहने का जो मतलब है वो ये है कि लेट होने की प्रभाविकता किसके पास ज़्यादा है, फीमेल के पास है। कोलैटरल ग्लैंड किसके पास है, फीमेल के पास है। कोलैटरल ग्लैंड किसके पास है, फीमेल के पास है। गोनोफोर किसके पास है, गोनोफोर फीमेल के पास है ना। गो ठीक है, चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, गो। फीमेल का डायलॉग है ये, वो बेचारा खड़ा है ठीक है, गुलाब लेके ऐसे करना। ठीक वो क्या बोल रही है, क्योंकि उसने उसको देख लिया कहीं। ठीक है ये अपनी प्रदीप, ये सोच रहा था ये बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, ये अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कहीं और कर रहा था, और जहाँ पहली प्रतिभा उसने दिखाई थी वहाँ से भी जो है देख लिया गया, है ना। ये वो वाली किस किस को प्यार करूँ करके मूवी आई थी, वो उसका वो बनना चाह रहा था ये कपिल शर्मा, तो वो हो नहीं पाया। तो जो है वो लड़की क्या इमोशनल हो जाती है लड़कियाँ बहुत जल्दी, है ना, सेंटिमेंटल होती हैं वैसे। तो वो बहुत मना रहा है उसको, वो क्या कहेगा, वो कहेगा बीबी सुनो तो मैं तो वो मेरी सिर्फ, हम अच्छे दोस्त हैं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ठीक है ना, तुम यहाँ से चले जाओ, गो, समझ रहे बात को। गो गोनोफोर किसके पास है, गोनोफोर फीमेल के पास। ठीक है गोनो पर किसके पास है, क्या अच्छा बहुत बढ़िया, गोनो पोर समझ में आ गई बात। गोनो पोर तो गोनो पोर हो गया, गोनोपोफाइसिस किसके पास है, मेल के पास या फीमेल के पास। गोनोपोफाइसिस शायद दोनों के पास है, गोनो पोर फीमेल के पास ही आप याद रखेंगे। मेल के पास गोनो पोर है, फीमेल के पास क्या है, गोनोपोफाइसिस किसके पास है और गोनोपोर फीमेल के पास। याद हो गया फीमेल के पास क्या क्या है, फर्स्ट पेयर ऑफ लेग कहाँ से निकल रहा है, लिखा अभी पढ़ाया तो था, फर्स्ट पेयर ऑफ लेग कहाँ से निकला था। ठीक है सेकंड और थर्ड मेटाथोरिक्स से, इसके बाद इसके अलावा एक और चीज याद रखना है आपको इसमें, एनल स्टाइल,
किसके पास होता है, मेल कॉकरोच के पास होता है कि फीमेल कॉकरोच के पास होता है? एनल स्टाइल मेल कॉकरोच के पास होता है, फीमेल के पास नहीं होता, ठीक है? एनल स्टाइल किसके पास होता है? मेल के पास। वो डायग्राम देखो 7.18, उसमें गेंदे का फूल दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, दिखाई दे रहा है? वो गेंदे का फूल जिसमें दिखाई दे वो मेल है, गेंदा यूजुअली मेल ही होता है, गेंदी तो नहीं होती, तो गेंदा मेल, ठीक है? और जिसमें ये सिंग जैसे दिख रहे हैं, हिरण के सिंग जैसे दिख रहे हैं नीचे, वो है फीमेल, ठीक है? गोनापोफाइसिस दिखाई दे गया फीमेल के पास, मेल के पास देखो गोनोफोर, गोनापोफाइसिस यहाँ फीमेल के पास है। आप तो कह रहे थे गोनापोफाइसिस मतलब मेल और फीमेल दोनों के पास होता है, गोनापोफाइसिस मेल फीमेल दोनों के पास होता है, गोनोफोर सिर्फ फीमेल के पास होता है, याद हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया इतना तो बताओ। देखो डायग्राम को समझ लो ना आप, कोलैटरल ग्लैंड फीमेल के पास, वो पूछ लेगा मेल के पास क्या स्पेसिफिक है, फीमेल के पास क्या स्पेसिफिक है। मेल में एक चीज़ ऐड कर देना, देखो लिखिए एनल स्टाइल को मार्क करना जरा, एनल स्टाइल, एनल सर्कस, एनल सर्कस मेल के पास भी है, एनल सर्कस फीमेल के पास भी है, ये चीज़ काम की है। फीमेल में लिखा नहीं है शायद, उसमें लिख ले, फीमेल में लिख लो एनल सर्कस, मेल के पास भी एनल सर्कस है, फीमेल के पास भी एनल सर्कस है। सर्कस दिखाई दे रहा है कॉर्डल स्टाइल के ऊपर, मेल में भी है फीमेल में भी होता है, एनल सर्कस दोनों में है, लेकिन स्टाइल एनल स्टाइल केवल मेल के पास है, फीमेल के पास नहीं है। सर्कस में मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा स्टाइल कौन मारता है वहाँ? मेल, ऐसे याद कर लो। स्टाइल वैसे भी मेल ही ज़्यादा मारता है हर जगह, क्योंकि पहल मेल की तरफ से होती है, ठीक है? यही वजह है कि मोर नाचता है, ठीक है, मेंढक आवाज़ करता है, और राइडर्स ऐसे करते हुए चलते हैं रोड पे, छपरी राइडर्स, ठीक है, ऐसे लहरा के जाते हैं ऐसे। उनका ऐसा लगता है तेज हॉर्न बजा के निकलेंगे तो हम बहुत, हमारा वर्चस्व कायम होगा, हमारा काम बन जाएगा, गलत सोचते हैं, है ना? ठीक है, और कुछ लड़कियां ओवर रिएक्ट भी करती हैं उसमें, ठीक है, यहाँ से हॉर्न बज रहा है ना, तो बहन ऐसे ऐसे आड़ी उड़ी रहते हैं, वो बहन 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 ऐसे ऐसे कर लेते हैं, अपना अपना स्टाइल। तो बताओ एनल स्टाइल किसके पास है, एनल सर्कस किसके पास है, ठीक है, गोनोपोफाइसिस किसके पास है? दोनों के पास है, गोनोपोर फीमेल के पास, गोनोपोर फीमेल के पास है, गोनोपोफाइसिस, याद हो गया इतना? सेवंथ स्टर्नम किसका बोर्ड शेप होता है? कोलैटरल ग्लैंड किसके पास होते हैं? एनल स्टाइल किसके पास होता है?
एनल सर्फेस, गोनोपोफाइसिस, एक चीज लिख लो, जहां लिखा है ना गोनोपोफाइसिस वहां लिख लो, मेल के पास 3 गोनोपोफाइसिस हैं, फीमेल के पास 3 पेयर गोनोपोफाइसिस। मेल के पास 3 गोनोपोफाइसिस हैं, 3 नंबर में 3, और फीमेल के पास 3 जोड़े हैं, 3 जोड़े। मशरूम जैसा सेमिनल वेसिकल किसके पास है? वो जो दिख रहा है ना गेंदा, उसको मशरूम कहा गया है एनसीईआरटी में किसी सवाल में।